चाहे हमें बाजार को अपना बंद करना पड़े, चाहे हमें रोडों पर बैठना पड़े, हम 24 तारीख को उसको उद्घाटन किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। रोड पे तो हम बैठेंगे किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। MDR वार जो खोलने जा रही है सरकार, उसके विरोध में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल छुआछूत बीमारी है। हॉस्पिटल में पहले ही बहुत बेड कम। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोहतक PGI के बाद सोहना के नागरिक अस्पताल में MDR TB का वार्ड बनाया जा रखा है, जिसका उद्घाटन 24 मार्च को किया जाएगा, जिसे लेकर इलाके के मौजूद लोगों में रोष व्याप्त है, जिन्होंने मंगलवार को सोहना के नागरिक अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि किसी भी सूरत में सोहना के नागरिक अस्पताल की इमारत के अंदर पुरुष वार्ड में बनाए जाने वाले टीबी वार्ड को नहीं बनने दिया जाएगा, चाहे लोगों को बाजार बंद करके सड़कों पर क्यों ना उतरना पड़े। अगर लोगों की मानी तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए जाने वाले MDR TB वार्ड को नागरिक अस्पताल की इमारत में नहीं बनाकर किसी एकांत दूसरे स्थान पर बनाया जाए, क्योंकि इस वार्ड के यहां पर बनने से जहां इससे छुआछूत की बीमारी से अस्पताल के अंदर आने वाले अन्य मरीजों के अंदर बीमारी का संक्रमण फैलेगा, वहीं नागरिक अस्पताल के अंदर कार्यरत डॉक्टर भी यहां से अपनी बदहाली कराकर चले जाएंगे, जिसे लेकर इलाके के लोग इसका विरोध जता रहे। आज हमने जो SMO साहब से मिले हैं, अगर उसके बाद भी 24 तारीख को उद्घाटन करने की अगर ये कोई भी सोचता है तो हमें चाहे आज अपनी और हम मीटिंग लेंगे, चाहे हमें बाजार को अपना बंद करना पड़े, चाहे हमें रोडों पर बैठना पड़े, हम 24 तारीख को उसको उद्घाटन किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। रोड पे तो हम बैठेंगे किसी भी हालत में नहीं होने। पिछली बार हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया था, आज हम लोग इसीलिए इकट्ठे होके आए थे और हमने SMO साहब से जवाब तलबी करी थी कि ये सरकार जो कदम उठाने जा रही है, हम आपके माध्यम से सरकार को बता रहे हैं कि सरकार टकराव के हालात ना बनाए और इसको तुरंत अमल करके रोक दिया जाए। ये आबादी के बीचों बीच जो ये खोल रहे हैं, ये इस शहर को लावारिस ना समझा जाए। इस शहर का आदमी जब उसके हकों पे ये बात आएगी, हर तरीके से किसी भी हद तक विरोध करेगा। आज तो एक खाली चेतावनी है, शहर के सभी मौजूद आदमी, देहात के सभी मौजूद आदमी, जो हमारे यहाँ TB का MDR वार्ड जो खोलने जा रही है सरकार, उसके विरोध में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल छुआछूत की बीमारी है। हॉस्पिटल में पहले ही बहुत बेड कम है, 100 बेड की हॉस्पिटल डिक्लेयर हुई है, 50 बेड काम कर रहे हैं, जिसमें भी एक वार्ड को ये महिला वार्ड MDR वार्ड में दे रहे हैं। यहाँ इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ महिला जच्चा बच्चा वार्ड है, यहाँ सारा इलाके का आना जाना है, इसके विरोध में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमें भी बताया SMO साहब ने कोई 24 तारीख को शायद इसका उद्घाटन होने जा रहा है, 24 तारीख को हम इसके विरोध करेंगे सारा इलाका मिल करके कि ये शहर से अलग कहीं दूसरी जगह खोला जाए, इस वजह से आज लोग इकट्ठे हुए। बता दें कि सोहना के नागरिक अस्पताल के अंदर बनाया जाने वाला टीबी का MDR वार्ड स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार भी यहां पर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के DG द्वारा सोहना के नागरिक अस्पताल में OPD कम होने का हवाला देकर इस वार्ड को यहां पर जबरन बनाया जा रखा है। MDR वार्ड के सोहना में बनाए जाने पर जब हमने सोहना नागरिक अस्पताल के SMO से बात की तो उन्होंने भी अपने उच्च अधिकारियों का बचाव करते हुए कहा कि इस तरह से वार्ड सभी जिलों में बनाए जाएंगे, लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि जब पहले भी स्थानीय लोग इस MDR का विरोध जता चुके हैं और SDM की मार्फत मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के नाम ज्ञापन भेजकर इसका विरोध जता चुके हैं, तो फिर भी इस वार्ड को यहीं पर क्यों बनाया जा रखा है या फिर जिले के अंदर क्यों नहीं खोला जा रखा है। लेकिन इन सभी बातों का जवाब स्थानीय अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के पास मौजूद नहीं। सज्जन सर हैं, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगी कि यहाँ MDR वार्ड के लिए जिनको चुना गया है, इसको MDR वार्ड हॉस्पिटल में बनाया जाए ताकि MDR जो मरीज है उनका इलाज की रिगार्डिंग यहाँ किया जाए। देखो, नॉर्म्स के हिसाब से MDR वार्ड थोड़ा आइसोलेटेड होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन जो ये जो फैसला लिया गया है इसको वार्ड यहाँ खोलने का, वो CMO साहब से जैसे मेरी बात हुई तो उसमें उनका ये मानना है कि यहाँ पे हमारे जो IPD है, एडमिशन जो है वो काफ़ी कम है, तो इसलिए जो है यहाँ पे अगर खोलें तो कम से कम MDR वार्ड जो MDR से संबंधित जो TB है, जो सीरियस मरीज है, उनको कहाँ देखे, उसको देखने की सुविधा के लिए उन्होंने ये यहाँ पे खोलना है। मतलब गाइडलाइन तो ये कहती है कि थोड़ा आइसोलेटेड होना चाहिए, साथ सबके साथ ना होके थोड़ा सा हट करो तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल उनकी ये है कि कहीं तो MDR वार्ड खुलेगा तभी उनको मरीज को हम सुविधा दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने फैसला लिया। बता दें कि प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा करीब 2.5 साल पहले सोहना के गांव सरमथला में आयोजित जनसभा के दौरान सोहना के नागरिक अस्पताल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड का करने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक भी मुख्यमंत्री की इस घोषणा को अमली जामा नहीं पहनाया गया और अब 50 बेड से 20 बेड TB के MDR वार्ड में चले जाएंगे, तो फिर
आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सोहना के नागरिक अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं यहां के निवासियों को मिल पाएंगी। हालांकि स्थानीय लोग टीबी के इस एमडीआर वार्ड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन देखना अब इस बात का होगा कि इलाके के लोगों के विरोध को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी का एमडीआर वार्ड को सोहना के नागरिक अस्पताल में ही बनाया जाता है या फिर इसे किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।